तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस इलेक्ट्रॉनिक्स। तो फिर से कमाल के वीडियो लेके चला आया हूँ। तो आज हम एक बोर्ड बनाएंगे, जो हमारा घर में बोर्ड होता है इस तरीके का। तो इस बोर्ड को हम बनाएंगे, इसको फुल कनेक्शन कैसे होता है, इसको कनेक्शन क्या होता है, क्या स्विच से ऑपरेट कैसे होता है, तो वीडियो को फुल देखना, आपको इससे कुछ भी नॉलेज मिलेगा। फुल डिटेल्स में आपको बताएंगे बोर्ड को कैसे कनेक्शन करते हैं। तो ज्यादा बात ना करते चलते वीडियो की तरफ। तो आज हमें जो बोर्ड बनाना है, उसके लिए क्या क्या कंपोनेंट चाहिए आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले तो हम ये बोर्ड चाहिए, हमारा जो बोर्ड का कैबिनेट होता है वो चाहिए, दो स्विच चाहिए ऑन ऑफ करने के लिए, और दो 5 पिन चाहिए सॉकेट, और कुछ वायर चाहिए हमें जो इसका कनेक्शन होगा, इससे वायर चाहिए। तो वीडियो को फुल देखना, आपको इससे कुछ भी नॉलेज मिलेगा। कोई भी घर में कोई भी बोर्ड आपको लगाना है तो आप भी लगा सकते हैं। वीडियो को फुल देखना, आपको इस पर कुछ भी नॉलेज मिलेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इसका देख सकते हैं प्लास्टिक है, तो उसको हम खोल लेते हैं। तो प्लास्टिक खोलने के बाद हमें मिलता है, अंदर हमें मिलता है ये 4 स्क्रू इसको कसने के लिए, और कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारा जो 5 पिन है उसका इधर एक होगा और इधर एक होगा, और बीच में जो लेग है, बीच में जो ये है, इसमें स्विच हमारा बैठेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जो 5 पिन बैठेगा इसके अंदर, इसको हमें काटना है। तो हम काटेंगे, इस कटरी से हम काटेंगे। आपके पास कोई चाकू भी है तो आप भी काट, चाकू से भी काट सकते हैं। तो इस तरीके से हम काट लेंगे। देख सकते हैं ये हमारा हो चुका है। इसको इस तरीके से करने से ये लूज हो जाएगा, और इस तरीके से थोड़ा वेट करने से कैसे करेंगे तो देख सकते हैं, हो हमारा चुका है। इसको भी हम काटेंगे इस तरीके से। हमारा जो 5 पिन सॉकेट इसमें बैठेगा, हमारा काटना कंप्लीट हो चुका है, देख सकते हैं सब काट चुका हूँ। इसके बाद हम क्या करेंगे, 5 पिन को बाहर निकालेंगे। हमारा 5 पिन 1, 2 स्विच को भी खोल लेते हैं, 3 और 4 ये चाहिए। इसको साइड में रखते हैं हम। तो इसको सबसे पहले इस तरीके से हम इस तरीके से कस लेते हैं। हमारा कसना कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो इसका इंडिकेटर होता है, हमारे इसमें लाइन है क्या क्या नहीं है, ये हमें कैसे समझ आएगा, तो इसके लिए हम एक चीज लगाएंगे, हमारा इंडिकेटर होगा। उसके लिए हमें चाहिए एक एलईडी लाइट। हम कलरिंग एलईडी लाइट यूज कर रहे हैं, आप रेड ब्लू कोई भी कलर यूज कर सकते हैं इसके लिए। और एक रेजिस्टेंस चाहिए हमें, 100K रेजिस्टेंस चाहिए इसको ऑपरेट करने के लिए। तो वीडियो को फुल देखना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस जगह में लगाएंगे। तो इस जगह में हम थोड़ा सा छेद कर लेते हैं, फिर आपको दिखाएंगे। तो एलईडी लाइट को हम जो माइनस लगे उसमें हम वायर अटैच कर लेते हैं, और प्लस को हम क्या करेंगे, जो हमारा ए रजिस्टर है वो हम लगाएंगे, रजिस्टर का पॉजिटिव साइड। ये हमारा प्लस साइड, तो इससे हम सोल्डिंग करेंगे। ये हमारा हो चुका है सोल्डिंग करना, तो देख सकते। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा बोर्ड है उसके अंदर हम इस तरीके से इसको लगाएंगे, इस तरीके से दिखाएंगे इसको। तो इसको हम इसको इस तरीके से इसको में बैठा लेते हैं, फिर आपको कनेक्शन दिखाएंगे कैसे होगा इसका कनेक्शन। हम बैठा, तो एलईडी का कनेक्शन क्या होगा, एलईडी का जो माइनस लगे और डायरेक्ट हमारा एक
एसी लाइन में कनेक्शन होगा और जो हमारा प्लस पॉइंट है उसमें एक रेजिस्टर लगेगा। रेजिस्टेंट को जो दूसरा लगे वो हमारा एसी और एक लाइन में लगेगा और रेजिस्टर हमारा लगेगा 100 के रेजिस्टर। तो इसमें इस तरीके से हम लगाएंगे, देख सकते हैं इस तरीके से हम लगाएंगे। और हमारा जो एलईडी का प्लस है उसका उसका एक वायर हम इधर जोड़ देंगे जो हमारा स्विच का ऊपर वाला कनेक्शन है उसमें, इस तरीके से हम इसको भी अच्छी तरीके से टाइट कर देंगे। तो हमारा हो चुका है। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा न्यूट्रल जो हमारा 5-pin सॉकेट का न्यूट्रल है उसमें हम कनेक्शन करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा लाइन है जो सॉकेट का लाइन है उसमें कनेक्शन करेंगे स्विच के साथ। इस स्विच के साथ में इस 5-pin सॉकेट का कनेक्शन होगा। तो इस तरीके से हम करेंगे, ध्यान से देखना आप। तो इस तरीके से प्लग में लगा के और एक स्विच में हम लगाएंगे इस तरीके से, हम कनेक्शन करेंगे। हमारा कनेक्शन करना कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा न्यूट्रल है दो न्यूट्रल इसमें हम कनेक्शन करेंगे। इसका कनेक्शन हम क्या करेंगे, इससे एक लाइन लेंगे इसमें एक लाइन लेंगे, दोनों को आपस में जोड़ के हमारा न्यूट्रल का लाइन जो हमारा घर के मीटर होता है उसमें चला जाएगा और एक लाइन है इसको हम लगाएंगे। हम लगाते आपको दिखाएंगे कैसे लगाना है आपको। तरीके से ले जाके इसमें हम जोड़ देंगे। तो हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं, बता देते हैं कैसे लाइन करना है आपको। हमारा जो 5-pin का सॉकेट है जो हमारा लाइन इन है, हमारा फेस का जो वायर है फेस का एक वायर हमारा स्विच के साथ कनेक्ट होगा, देख सकते हैं। इसके साथ कनेक्शन कर दिया, इसके साथ कर दिया। और है हमारा जो न्यूट्रल का वायर है वो दोनों पॉइंट को हम इस तरीके से देख सकते हैं, इस तरीके से लिखा है एन एल। तो एन से लेके एन से एन करके ये हमारा एक वायर और हमारा जो स्विच का ऊपर वाला जो साइड है उसमें साथ एक वायर। तो इंडिकेटर का लाइन होगा हमारा जो न्यूट्रल का है, ये जो हमारा न्यूट्रल इसमें कनेक्शन होगा, इसमें माइनस का लगेगा और प्लस में, और प्लस को हम फेज में लगाएंगे। तो इसके बाद हम कंप्लीट हो चुका है हमारा करना, इसको हम टेस्ट करेंगे। तो टेस्ट करने से पहले आपको इसके अंदर हमको इस तरीके से फिट करते फिर आपको दिखाएंगे। तो हमारा वायर अटैच करना हो चुका है, इसको हम इस लाइन में लगाएंगे। तो इसको इस लाइन में लगाते हैं, इसमें लगा, तो देख सकते हैं हमारा लग चुका है। और ये देख सकते हैं, तो देख सकते हैं हमारा इंडिकेटर जल चुका है, हमारा लाइन आ चुका है। तो इसको हम टेस्ट करेंगे 100 वाट बल्ब पे जो उससे। तो हमने दिया स्विच दिया, तो देख सकते हैं ऑन ऑफ हो रहा है। इसके बाद हम इस पॉइंट को भी चेक करेंगे, तो देख सकते हैं ये भी जल रहा है। तो सिंपल सा प्रोसेस है, आप देख सकते हैं हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। हम आपको टेस्ट करके भी दिखा दिया है, तो हमारा सब कंप्लीट है। तो आप भी इस तरीके से वीडियो को फुल देखना, तो आप भी इस तरीके से अपने घर में बैठ के भी आप भी अपने लिए बोर्ड बना सकते हैं। कोई खर्चा नहीं होगा आपको, सिर्फ जो हमारा सर्किट लगेगा उसमें ही आपको खर्चा लगेगा। तो वीडियो से आपको कुछ भी नॉलेज मिलेगा, तो वीडियो को फुल देखना। और मेरे चैनल पर नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और लाइक शेयर कमेंट जरूर करके जाना। तो वीडियो को फुल देखने के लिए धन्यवाद।